वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, दिस इज कुमार दीपाकरण। टुडे वी आर गोइंग टू रीड थिनर दैन अ क्रेसेंट, पोएम ऑफ 10th क्लास बिहार बोर्ड। इसके पोएट हैं विद्यापति। विद्यापति के बारे में जान लेते हैं। बॉर्न इन द विलेज ऑफ बिशापी इन मधुबनी ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ बिहार। मधुबनी के बिशापी गांव में जन्मे, जो कि नॉर्थ बिहार के ईस्टर्न साइड में या पूर्वी साइड में है। विद्यापति इज वेल नोन फॉर डिपिक्टिंग द पैंग्स ऑफ सेपरेशन इन द वेल नोन ट्रेडिशन ऑफ जयदेवा। विद्यापति जयदेव के सुपरिचित ट्रेडिशन में सेपरेशन के पैंग्स को, यहाँ पे आप इसका मतलब समझेंगे कि जुदाई के दर्द को, वेदना को डिपिक्ट करने के लिए, वर्णन करने के लिए जाने जाते हैं। हिज लव सॉन्ग्स रिक्रिएट एंड रिवील द वर्ल्ड ऑफ राधा एंड कृष्णा। उनके प्यार के गीत, प्रेम गीत पुनः से राधा और कृष्णा की दुनिया को रिक्रिएट करते हैं, पुनः निर्माण करते हैं और उसको प्रकट करते हैं, रिवील करते हैं। द मेजर लव फिगर्स ऑफ इंडियन मिथोलॉजी एंड लिटरेचर। प्रमुख लव फिगर है ये दोनों, मतलब कि हमारे इंडियन मिथोलॉजी के, आप कह सकते हैं इंडियन पौराणिक कथाओं में और जो साहित्य में इनके वर्णन काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो विद्यापति हैं वे राधा और कृष्णा के प्यार को, प्रेम गीत के बारे में लिखते हैं वे। हाउएवर, फिर भी वाइल जो जयदेव पोएम सेलिब्रेट्स कृष्णाज लव एंड पेज कंपरेटिव लिटिल अटेंशन टू राधा द वूमन, विद्यापति इज प्राइमरली कंसर्न विद द इंटेंस पैशन ऑफ राधाज लव। हाउएवर, एक तरफ वाइल जहाँ पे जयदेव अपनी कविताओं में क्या करते हैं ना कि वे कृष्णा के लव को, लव के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं, उसको ज़्यादा लिखते हैं, और वो जहाँ पे एक राधा है वहाँ वो एक औरत के रूप में है तो वो उसको कम ध्यान देते हैं अब कृष्ण की अपेक्षा। लेकिन जो विद्यापति हैं वो मुख्य रूप से क्या करते हैं कि अपने कविताओं में वे राधा के प्यार की इंटेंस पैशन को लेकर के, यानी कि तीव्र इच्छा को लेकर के वे चिंतित हैं, यानी चिंतित नहीं है मतलब कि उससे संबंधित लिखते हैं सारी की सारी बातें। एट वंस सेंसुअस एंड सेंसुअल, और अचानक एकदम सेंसुअस विषयासक्त और सेंसुअल वो लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव वर्णात्मक भी लिखते हैं एंड ड्रामेटिक, और ड्रामेटिक भी लिखते हैं। विद्यापति सॉन्ग रेंज बियॉन्ड द मिथोलॉजिकल वर्ल्ड टू फाइंड देयर प्लेस इन द हार्ट ऑफ अ ह्यूमन लवर हुज ड्रीम्स एंड डिजायर नेवर डाई। विद्यापति के जो गीत हैं वो गीत की जो रेंज है वो मिथोलॉजिकल से बिल्कुल परे है, जो पुरानी कथाएं हैं वो बिल्कुल परे हैं। वनली टू फाइंड देयर प्लेस, और उनकी उनकी जो गीत है वो उन वहाँ पे अपना स्थान ढूंढती है, इन द हार्ट ऑफ अ ह्यूमन लवर, यानी कि जो कि ह्यूमन लवर के दिलों में, ह्यूमन लवर के दिलों में उनकी जो पोएम है वो वहाँ पे स्थान ढूंढती है। हुज ड्रीम्स एंड डिजायर नेवर डाई, जिसकी सपने और जो इच्छाएं हैं वो कभी नहीं मरते हैं। हुज साइज एंड क्राइज नेवर एंड, जिनकी आहें और जिनकी आंसू है वो कभी ख़त्म नहीं होते। द प्रेजेंट पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ ए फ्रेंड ऑफ राधा टू लॉर्ड कृष्णा। अभी जो हम लोग पोएम पढ़ने जा रहे हैं थिनर दैन अ क्रेसेंट, वो प्रेजेंट पोएम जो है वो इस फॉर्म में है, मतलब कि एक ऐसे फॉर्म में है जिसमें कि एक रिपोर्ट होता है राधा के फ्रेंड से, जो कि राधा की, राधा जो है अपने फ्रेंड को एक मतलब देती है, रिपोर्ट देती है किसके लिए, तो लॉर्ड कृष्णा के लिए। द लॉर्ड हैज हैड नो ओकेजन टू मीट राधा फॉर सम टाइम, यानी कि जो लॉर्ड है यानी लॉर्ड कृष्णा, उनके पास टाइम नहीं होता है कभी राधा से मिलने के लिए कुछ समय से। द यंग गर्ल टुक दिस टू हार्ट, और जो छोटी जो यंग गर्ल है, ठीक है, वो इससे क्या होता है कि वो दिल से ले लेती है।
कंसिक्वेंटली हर हेल्थ बिगेन टू फॉल, और जिसके कारण से उस परिणाम स्वरूप उसका जो हेल्थ होता है वो फॉल करना शुरू फेल कर, कहने का मतलब कि वो उसका हेल्थ गिरना शुरू कर देता है, वो बीमार पड़ना शुरू कर देती है। ग्रेटली कंसर्न्ड ओवर दिस कंडीशन ऑफ राधा, द एनोनिमस फ्रेंड रन्स टू लॉर्ड कृष्णा टू रिपोर्ट दिस। और राधा से बिल्कुल ज्यादा संबंधित जो थी उसमें राधा की कंडीशन को देख करके, जो राधा के पास जो रहती रहने वाली दोस्त थी, जो खास दोस्त थी, उसमें नाम नहीं लिखा, एनोनिमस थी वो, ठीक है। तो वो क्या करती है कि इसको वो दौड़ करके लॉर्ड कृष्णा के बाद रिपोर्ट लेके जाती है कि राधा जो है वो बीमार पड़ गई है, वो आपके याद में डे पर डे कमजोर होती जा रही है, और वो इतनी कमजोर हो गई है जैसे कि दूज का चांद होता है। वैसे आप लेसन का मीनिंग समझ सकते हैं, थिनर मतलब होता है पतला, देन मतलब ये थिनर देन ये कंप्लीट बिगड़ी के साथ यूज होता है, और एक क्रेसेंट है, तो क्रेसेंट मतलब होता है दूज का चांद। तो ये दूज के चांद से भी वो पतली हो गई थी, आप समझ सकते हैं कि कितनी पतला दूज का चांद होता है। यहाँ पे आपका पोयम शुरू होता है, हर टीयर्स कार्ब्ड अ रिवर। यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि वो राधा इतनी कृष्ण के याद में रो रही है कि उसकी आंसुओं से एक रिवर बन गया है, एक नदी बन गई है। एंड शी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, और वो इसके किनारे पर बैठी रोए जा रही है, और उसके रोने से एक आंसुओं की नदी बन गई है। हर्ट एंड कंफ्यूज्ड, चोट खाई हुई और बिल्कुल ही अस्त व्यस्त कंफ्यूज दिख रही है वो, जैसे लग रहा है कि उसे कुछ समझ में नहीं है, शुद्ध बुद्ध अपना सब कुछ खो दी हुई है राधा, और राधा अपने कृष्ण के याद में। यू आस्क हर वन थिंग, अगर आप उससे क्या करते हैं, कोई एक चीज पूछते हैं, शी स्पीक्स ऑफ अनदर, वो कुछ और मतलब की कुछ दूसरे चीज के बारे में बोलती है। मतलब ये हुआ कि अगर आप उससे पूछो कुछ तो जवाब कुछ और देती है, इतनी वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो दी है कृष्ण के याद में। हर फ्रेंड्स बिलीव, उसके दोस्त विश्वास करते हैं, डैट जो मे कम अगेन, जो खुशी वो आनंद फिर से वापस आ सकता है, उसके दोस्तों का ये विश्वास है, यानी कि अगर कृष्ण जो है फिर वापस अगर लौट के आ जाता है राधा के पास मिलने के लिए, तो फिर से खुशी वो आ जाएगी राधा के चेहरे पे, राधा फिर से ठीक हो जाएगी, उसके दोस्त लोग बोल रहे हैं। एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीज टू केस, लेकिन अभी जो है वे सारे के सारे जो है वो अपनी आशा खोए हुए हैं, उनकी आशा गायब हो चुकी है कि कभी फिर कृष्ण वापस आएंगे भी और राधा से मिलेंगे भी, वे सभी आप ये सब आशा वो खो चुके हैं। ओ माधवा, आई हैव रन टू कॉल यू। अब पहले ही मैंने आपको बता दिया कि राधा के तरफ से एक दोस्त गया था वहां पे, सखी कह सकते हैं, यहाँ पे कुछ तो लिखा नहीं है, एनोनिमस फ्रेंड है वो, तो वो वहां पे गया था इंफॉर्मेशन ये लेकर के कि राधा जो है वो डे पर डे पतली होती जा रही है, बीमार होती जा रही है, वो बताने गया था वहां पे। ओ माधव, आई हैव रन टू कॉल यू। हे माधव, मैं आपके पास दौड़ करके ये बताने की के लिए आई हूँ। राधा इच डे ग्रोज थिनर दैन द क्रेसेंट इन द स्काई। राधा प्रत्येक दिन पतली होती जा रही है, इतनी पतली जैसे कि आकाश में चांद है उससे भी ज्यादा पतली होती जा रही है वो, जो दूज का चांद होता है जो सेकेंड डे निकलता है, ठीक है, उससे भी वो पतली होती जा रही है डे पर डे। क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले शॉर्ट में आंसर देना है ब्रीफली। Why is Radha crying? राधा क्यों रो रही है? राधा इज क्राइंग ड्यू टू द एबसेंस ऑफ माधव। राधा माधव की अनुपस्थिति के कारण से रो रही है। What two feelings of राधा have been referred to by her friend? कौन सी दो फीलिंग राधा की उसके दोस्त के द्वारा रेफर की गई है? तो हर फ्रेंड्स रेफर टू टू फीलिंग्स ऑफ राधा डैट सी इज नॉट इन हर सेंस। उसके दोस्त के द्वारा दो फीलिंग राधा की यहाँ बताई गई है, बताती है वो, कि पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अपने सेंस में नहीं है, ठीक है। बिलीव डैट हर जॉय विल कम अगेन, और ये आशा करती है कि उसकी जॉय फिर से वापस आएगी, मीन्स लॉर्ड कृष्णा विल कम टू मीट हर,
इसका मतलब ये है कि लॉर्ड कृष्णा उससे मिलने के लिए फिर से वापस आएंगे। टू होम डज द फ्रेंड मेक अ रिपोर्ट, जो फ्रेंड है वो किसको रिपोर्ट देने जाती है। हर फ्रेंड्स रिपोर्ट राधाज कंडीशन टू माधव, उसकी जो दोस्त लोग हैं वो माधव के पास राधा कंडीशन की रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं। व्हाट डू राधाज फ्रेंड्स बिलीव इन, राधा के जो फ्रेंड्स हैं वो किस चीज में विश्वास करते हैं। तो राधाज फ्रेंड्स बिलीव इन द लव ऑफ कृष्णा एंड ऑल्सो हिज रिटर्न टू राधा। राधा के दोस्त लोग कृष्णा के प्यार में विश्वास करते हैं और राधा के वापस आने में भी विश्वास करते हैं कि कृष्णा जो है वो फिर से राधा के पास वापस आएंगे। व्हाई डिड राधाज फ्रेंड रन टू लॉर्ड कृष्णा, राधा के फ्रेंड कृष्णा के पास दौड़ के क्यों गए। राधाज फ्रेंड रन्स टू कॉल ऑन कृष्णा टू कम टू राधा, राधा के जो फ्रेंड है वो कृष्णा के पास दौड़ करके उससे बुलाने के लिए गई थी राधा के पास आने के लिए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब राधाज कंडीशन एज रिपोर्टेड बाय हर फ्रेंड, राधा के कंडीशन के बारे में वर्णन करनी है जैसे कि उसके दोस्त के द्वारा बताया गया, रिपोर्ट की गई है। राधाज फ्रेंड रिपोर्ट दैट राधाज टीयर्स हैव कम और Have become a river. राधा के दोस्त का रिपोर्ट यह है कि राधा की जो आंसू है उससे एक नदी बन गई है। And she thinks, वो सोचती है, and thinks only over the matter. यानी कि वो केवल सोचती है और मतलब कि सोचती रहती है केवल। She is asked one thing, but she replies another. अगर उससे कोई एक चीज पूछा जाता है तो दूसरा जवाब देती है। Why is Radha's friend so worried? राधा के दोस्त क्यों चिंतित है। राधाज फ्रेंड worried because राधा does nothing but whips and whips only. राधा के फ्रेंड चिंतित है क्योंकि राधा कुछ नहीं करती है बल्कि वो केवल रोती है, यानी कि रोने के सिवाय वो कुछ नहीं करती है। शी इज नॉट इन हर सेंस, वो अपने सेंस में नहीं है, वो अपने सुध बुध खो दी है। इफ शी आस्क्ड वन थिंग शी रिप्लाइज अनदर थिंग, अगर उससे कोई कुछ पूछा जाए तो कुछ और जवाब देती है। राधा इच डे ग्रोज थिनर देन द क्रेसेंट इन द स्काई, कमेंट ऑन दिस यूज ऑफ इमेजरी, यानी कि इस इमेजरी पे कमेंट करनी है कि राधा जो है वो मतलब डे पर डे क्रेसेंट से पतली होती जा रही है जैसे कि आकाश में है। इन द गिवन लाइंस राधाज हेल्थ इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एज डेट ऑफ क्रेसेंट मून डेलिंग, दिया हुआ लाइन में राधा की हेल्थ धीरे धीरे घट रही है ग्रेजुअली, और जैसे कि जो मून की जैसे होता है मून, तो मून की जो क्या कहते हैं शेप होता है डे पर डे घटता जाता है, वैसे ही उनका शरीर जो है बीमार होने के कारण से दुख दर्द के कारण से डे पर डे घटता जाता है। दिस इमेजरी इज ड्रॉन टू रिमार्क द वर्स्ट हेल्थ ऑफ राधा इन द एब्सेंस ऑफ कृष्णा, इस इमेज ये जो इमेजिनरी है वह इस रिमार्क पे लाती है कि कृष्णा के एब्सेंस में राधा की हेल्थ जो है बिल्कुल ही बिगड़ गई, सबसे खराब हो गई है। To show the gradual decrease of her health, the comparison in the perfectly fit. उसके हेल्थ कंपेरिजन की धीरे धीरे डिक्रीज को शो करना वह परफेक्टली फिट है। इट शोज हर लव एंड अमाउंट ऑफ हर लव, यह उसके प्यार को शो करता है और उसके प्यार की मात्रा को शो करता है। इन द ग्रेटर रेशियो, एक बड़े रेशियो में, एज डैट ऑफ द हेल्थ ऑफ डिक्रीजिंग मून, यानी कि मून के डिक्रीजिंग हेल्थ के से कंपेयर करते हुए, ठीक है, यानी जिस तरह से मून वो डे पर डे पतला होता जाता है तो वैसे उसका हेल्थ भी मतलब कि डे पर डे प्यारे कारण से पतला होता जा रहा है। तो इसमें इसका वर्णन किया गया है, इस रेशियो को इसमें दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, आपका यह पोएम खत्म हुआ। आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, वॉच कीजिए और कमेंट में लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।